कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जुनतांग बाहर जाने लगता है तो जू पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो जुनतांग? जुनतांग बोलता है, बियर खत्म हो रही है तो मैं कुछ और चीजें लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, और यहाँ से जाने लगता है। फिर जाते वक्त वो लड़की को देखता है और वो लड़की इसे देखती है और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी वही लड़की पीछे से जुनतांग को बुलाती है और कहती है, मैं आइसक्रीम लेना चाहती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो जुनतांग बोलता है, इसका नाम है ली हिया और ये मेरी हाउसमेट है और ये मेरी से बड़ी है। फिर ये साथ में जाने लगते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। जुनतांग बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैंने अभी तक इसे कन्वेस्ट नहीं किया है। और ये दोनों फिर हाथ पकड़ लेते हैं। तभी सिया सुनसान रास्ते में कहती है, मैंने तुम्हें हजार बारी कहा है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मेरे से दूरी बना के रखो, और उसे जाके किस कर लेती है। फिर जुनतांग बोलता है, स्कूल के अपने पहले दिन से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस जैसी लड़की से मिलूंगा अपने युद्ध के समय में। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक न्यूज आ रही होती है जिसपे लिखा होता है, लीशिया को 25 फरवरी में मिन सॉन्ग यूनिवर्सिटी के दरवाजे के पास देखा गया था, जब सिया ने बताया था कि वो दोबारा स्कूल पढ़ने के लिए जाएगी और अब स्कूल जल्दी शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जुनतांग को दिखाया जाता है जो कि बस में होता है और वो कह रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि छुट्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई, अब फिर से स्कूल जाने होंगे। तभी झू का मैसेज आता है, वो कहती है, चलो मिलते हैं। ये कहता है, सीरियसली? झू कहती है, बहुत लंबे सफर के बाद मैं स्कूल वापस आ रही हूँ, तो तुम मिलोगे या नहीं मिलोगे? वो कहता है, ठीक है, और अपने कपड़े देख के बोलता है, मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, और बस से उतर के घर को जाने लगता है और कहता है, मैं उसी की वजह से मिन सॉन्ग यूनिवर्सिटी में अप्लाइड किया था। और अब हमें झू को दिखाया जाता है। तभी वो उसके घर के बाहर सिया को देखता है और वो कहता है, ये लड़की कौन है? क्या ये लड़की किसी का इंतजार कर रही है? ये अजीब है। और ये कहते हुए घर के अंदर चले जाता है और कपड़े चेंज करके झू से मिलने जाने लगता है। वो बाहर आता है फिर और वो सिया को देख के कहता है, ये कौन है? फिर वो सिया से पूछता है, क्या हम पहले मिले हैं? वो उसका कुछ रिप्लाई नहीं करती है। वो वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, लगता हम पहले नहीं मिले हैं। तभी वो गोजू की बात याद करता है और उसे याद आता है कि वो रो रहा था और कह रहा था, मेरी आइडियल ने क्विट कर दिया है। तभी वो अचानक से कहता है, ड्रीम स्वीट? फिर उस लड़की से कहता है, तुम शिया हो ना ड्रीम स्वीट की मेंबर? वो कहती है, मैं हूँ सिया और तुम्हें क्या चाहिए? और ये बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो लाइटर को जलाते हुए जुनतांग के पास बड़ी तेजी से भाग तो आती है और उसको डरा देती है और वो उसको हैरान इतना देख के हंसने लगती है। सिया कहती है, मुझे लगा कि तुम डॉच कर लोगे, पर तुम तो काफी स्लो हो। जुनतांग बोलता है, तुम अभी लाइटर मेरे मुंह पे मारने वाली थी, मैं इसके लिए पुलिस को फोन लगाऊंगा। सिया बोलती है, तुम लगाओ पुलिस को फोन, मैं भी कह दूंगी कि तुम मेरे पे स्पाई कर रहे थे। और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है, मेरा दोस्त ड्रीम स्वीट का फैन है तो मुझे तुम याद थी। और वो कहता है, मैं झूठ नहीं बोला, मैं सही बोल रहा हूँ, और उसकी तरह डांस करके भी दिखाता है ये। फिर उसे एक मैसेज आता है और वो सिया से कहता है, मुझे किसी से मिलने जाना है, बाहर बहुत ठंड है तो तुम अंदर चली जाओ। सिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन खुद ही रुक जाती है। नेक्स्ट सीन में जुनतांग सिया के बारे में सोच रहा था, वो कितनी अजीब है। तभी वो सामने में जू को देखता है जो कि ठंड से कांप रही होती है और उसके पास चले जाता है। जू जुनतांग को देख के बोलती है, मैं तो जम ही जाती अभी। जुनतांग बोलता है, मेरे लिए वेट करने के लिए शुक्रिया, मुझे लगा था कि तुम अंदर में वेट कर रही होगी मेरा। ये बोलती है, मुझे चिंता थी कि तुम इस जगह को मिस कर दोगे। और वो फिर रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में जुनतांग सारी बातें बता देता है जो भी उस लड़की के साथ हुई। जू कहती है, एक अजीब हाउसमेट के साथ जोड़ी बनाने के लिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। जुनतांग कहता है, हमें इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। और ये दोनों चेयर्स करते हैं। जुनतांग कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने अपने जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया और स्कूल जाने का फैसला लिया। और यूं ही ये मजाक करने लगते हैं। तभी जुनतांग जू से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जू बोलती है, ये कैसा सवाल है? और जुनतांग घबराते हुए टॉपिक को बदलते हुए बोलता है, क्यों ना हम मेरे अपार्टमेंट में चले, वहाँ पे डोरम से भी ज़्यादा जगह है और साफ सुथरी भी है, हम बहुत मज़े करेंगे, गेम खेलेंगे और अलग अलग खाने की चीज़ें को ट्राई करेंगे। जू कहती है, मैं इसके लिए मना नहीं कर सकती, तो मैं जाऊँगी। और फिर जुनतांग खांसने लगता है तो जू इसे नुमाल देती है। और जुनतांग कहता है, ये काफ़ी ऑर्डिनरी मूवमेंट था। और फिर ये रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। जू अपने फ़ोन में देख के कहती है, मुझे उम्मीद है कि अभी भी आखिरी बस है और मुझे इसे पकड़ना ही होगा। तभी जुनतांग अपने स्कार्फ को जू को दे देता है क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। तभी जू थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। जुनतांग कहता है, तो कल मिलेंगे।
अब जुनतांग अपने घर के बाहर सिया को देखता है अभी भी खड़ी हुई। फिर वो अपना फ़ोन निकाल के देखता है और देखता है कि उसमें तो 11 बज चुके होते हैं। वो सोचता है ये यहाँ पे सुबह से वेट कर रही है। सिया बोलती है सबको मत बताना कि मैं यहाँ पे रहती हूँ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये इसी के घर में जाने लगती है ये बोल कर कि बाहर बहुत ठंड है। जुनतांग उससे पूछता है इसका मतलब क्या है, लेकिन वो तभी चलते चलते बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। तभी ये उसे उठाने जाता है लेकिन वो उठती ही नहीं है। फिर वो 911 पे कॉल लगा देता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और जुनतांग का बैल कोई बार बार बजा ही जा रहा था। जुनतांग जाके दरवाज़ा खोलता है, वो देख के हैरान हो जाता है। यहाँ पे तो सिया आई होती है। वो कहती है क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, नहीं क्या तो हम दोनों साथ में करते हैं। जुनतांग बोलता है कर लिया है और दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है और काफी ज्यादा शौक होता है। फिर बाहर से शिया बोल रही होती है दरवाजा खोलो, अगर तुमने ब्रेकफास्ट कर भी लिया है तो मुझे बाहर मत छोड़ो, तुम्हें पता ही है मैं कल रात हॉस्पिटलाइज थी। जुनतांग मन में कहता है कोई भी बिना किसी रीजन के मेरे साथ काइंड नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जुनतांग को कॉलेज में दिखाया जाता है जिसकी क्लास खत्म हो चुकी होती है। फिर वो जू को मैसेज करता है, वो लिखता है हम कब मिले। जू लिखती है मुझे माफ करना मैं तुम्हारा स्कार्फ लगाना भूल गई और मुझे इस सेमेस्टर के लिए टीम भी तैयार करनी है तो मैं बिजी हूँ इसलिए फिर कभी मिलेंगे। तभी जुनतांग के दोस्त आके कहते हैं क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जुनतांग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। उसमें से एक बोलता है तुम्हारा फेस को देख के सब पता चल जाता है, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया ना। जुनतांग बोलता है नहीं वो अभी बिजी है। फिर हमें जू को दिखाया जाता है जो फोन में देख के जुनतांग के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसने स्कार्फ दिया था। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, वो बोलती है तुम फ्री हो तो चलो मैं कॉलेज ओपनिंग पार्टी के लिए बैनर प्रिंट करते हैं। जू कहती है ठीक है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं लेकिन जू को ठंड लगने लगती है। वो लड़की कहती है क्या तुम स्कार्फ नहीं पहनोगी। जू कहती है नहीं मैं ठीक हूँ और वो दोनों चले जाते हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनतांग घर जा रहा होता है। वो बोलता है आज मैं पूरे दिन जू से नहीं मिला। तभी शिया आके जुनतांग को डरा देती है और पूछती है तुम्हारा कॉलेज कैसा गया। जुनतांग उसे इग्नोर करके घर में चले जाता है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनतांग कॉलेज के लिए जा रहा होता है। फिर उसे स्टेयर्स पे बैठी हुई सिया मिलती है, वो बोलती है गुड मॉर्निंग लेकिन जुनतांग उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। फिर शाम को सिया जुनतांग का वेट कर रही होती है। जुनतांग को देख के सिया बोलती है क्या तुमने डिनर कर लिया, नहीं किया तो। इतने में ही जुनतांग बोलता है मैं लेके आया हूँ। फिर रात के सीन में जब जुनतांग स्केटिंग कर रहा होता है सिया अचानक से आके बोलती है आज तुम बहुत लेट हो गए और वो अचानक से देख के डर के नीचे गिर जाता है स्केटबोर्ड से। सिया बोलती है क्या तुम क्लब कल्चरल फेस्टिवल के बारे में जानते हो। जुनतांग बोलता है मैं नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जुनतांग जब कॉलेज जा रहा होता है तभी जुनतांग के नेक्स्ट डोर वाला पर्सन बोलता है दरवाजे पर वो सुंदर लड़की तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है, सोचा था कि वो तुम्हारे एक्सेस में से एक होगी। जुनतांग बोलता है मेरा मजाक बनाना बंद करो युंजे। युंजे बोलता है मैं कॉलेज की ओपनिंग पार्टी में जा रहा हूँ। फिर जुनतांग डोर खोल के देखता है, वो देखता है कि सामने में तो सिया बैठी होती है। ये कहता है वो आखिर क्या सोच रही है और यहाँ से ये चले जाता है। सिया फिर इसे देख के ब्लश करती है। जुनतांग अब कॉलेज में होता है। फिर वो जू को मैसेज कर देता है आज तुम फ्री हो, मुझे आज ओपनिंग पार्टी की तैयारी करनी है। फिर मन में कहता है मैं इस अजीब पीछा करने वाले के बजाय अपनी गॉडेस को देखना चाहता हूँ। फिर क्लास में कुछ स्टूडेंट किसी के बोल रहे होते हैं जुनतांग मुझे लगता है कि मैंने उसके बारे में सुना है, नैनो टेक्नोलॉजी का फ्रेशमैन। उनमें से एक फिर से स्टूडेंट कहता है हे गॉर्जियस क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे ही ढूंढ रही हो। फिर जुनतांग उस लड़की को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो होती है सिया। सिया उसे देख के हाई करती है और जुनतांग ये देख काफी शौक होता है कि वो इस कॉलेज में क्या कर रही है। सभी स्टूडेंट सिया की तारीफ कर रहे होते हैं ये कितनी ब्यूटीफुल है और जुनतांग तो सदमे में ही होता है। सिया जुनतांग के पास आके कहती है क्लास खत्म हो गई है। जुनतांग तो इतना नर्वस होता है कि उसका वो नाम भी सही तरह नहीं ले पा रहा होता है। फिर लीशिया का हाथ पकड़ के उसे लेके क्लास से बाहर जाता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर जुनतांग पूछता है तुम मेरी क्लास में कैसे आई। सिया बोलती है क्या तुमने इसे इमरजेंसी कॉल पे नहीं कहा था। फिर हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिया बेहोश हो जाती है और जुनतांग हॉस्पिटल में कॉल लगा के सब कुछ बताता है अपने बारे में। और फिर हमें पता लगता है सिया बेहोश नहीं हुई थी, वो थोड़ी सी जागी हुई थी और वो ये सब सुन रही थी। जुनतांग बोलता है ओ मैं समझा, तो मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा लेकिन मेरे दिल में पहले से ही कोई है इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सुन के सिया हंसने लगती है।
जुनतांग बोलता है, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, उसने मुझे बचाया और मुझे उससे प्यार हो गया। शिया बोलती है, तुम फनी हो। जुनतांग उससे पूछता है, फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? इसलिए कि तुम मेरे साथ डिनर करना चाहती थी और अब तुम मेरे कॉलेज में हो। शिया बोलती है, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। जुनतांग बोलता है, मेरे साथ क्यों, पहले फ्लोर पर लड़कियां रहती है। शिया बोलती है, मैंने पूरी कहानी किराए पर ली और अब मैं वहाँ पे अकेली हूँ। तो जुनतांग बोलता है, फिर किराए का क्या? शिया बोलती है, ऑफ कोर्स मैं ट्रिपल पे करती हूँ। जुनतांग बोलता है, तुम तो काफी अमीर लगती हो, मैं तुमसे सडनली दोस्ती करना चाहता हूँ। शिया बोलती है, मुझे लगता है कि तुमने भी ये सुना होगा कि मुझे कुछ चीजों के लिए सस्पेंड किया था, इसलिए मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। हम इतने क्लोज रह रहे हैं और तुमने मेरी मदद भी करी, तो ये रीजन है। जिसके बाद जुनतांग बोलता है, तुम मुझे अपना नंबर दो और कभी रात को डिनर करते हैं। ये सुन के शिया काफी खुश हो जाती है और ब्लश करती है। फिर वो लोग साथ में घर जा रहे होते हैं। जुनतांग बोलता है, तुम अच्छे मूड में हो तो अच्छा, क्या मैं तुम्हें सिस बुलाऊं? शिया बोलती है, इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं, तुम कैजुअल ही रहो। तो जुनतांग बोलता है, शिया, लेकिन तभी शिया जाके उसके मुंह बंद कर देती है और जुनतांग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर वो लोग आगे चलने लगते हैं। जुनतांग बोलता है, तुमने ये सडनली ऐसा क्यों किया? शिया बोलती है, आज रात हम साथ में डिनर करेंगे। जुनतांग बोलता है, नहीं, आज रात मैं कॉलेज की ओपनिंग पार्टी में जा रहा हूँ, तुम्हें लाइन में वेट करना होगा। जुनतांग मन में सोच रहा होता है, जो के स्कूल में कौन सी एक्टिविटीज होगी। तो गाइस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इस एनीमे में कॉलेज को स्कूल कहा जा रहा है, तो मैं भी किसी किसी जगह पे कॉलेज कहूंगा और किसी किसी जगह पे स्कूल कहूंगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये कॉलेज में है या स्कूल में। तो बैक टू द वीडियो, हिया कहती है, ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई है जिसे तुम प्यार करते हो। जुनतांग बोलता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शिया बोलती है, मुझे चिंता थी कि जब हम दोस्त बनेंगे तो तुम मुझे गलत समझोगे और मुझे बदनाम करोगे। जुनतांग मन में कहता है, ये सच में एरोगेंट है और बाहर में जितने भी लोग होते हैं इन्हीं दोनों को देखे जा रहे होते हैं। जुनतांग बोलता है, अब तुम निश्चित हो सकती हो। तभी शिया जुनतांग के काफी करीब आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। शिया बोलती है, फिर क्या हुआ अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया? जुनतांग बोलता है, ये संभव नहीं। शिया बोलती है, ये बताना मुश्किल है। जुनतांग अपने मन में कहता है, ओवरथिंकिंग करना बंद करो, तो जू के बारे में सोचो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज की ओपनिंग पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पे सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा के कहता है, तुम हो जुनतांग, क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो दिन में आई थी? जुनतांग बोलता है, नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ नीचे वाली नेबर है मेरी। ये बंदा उससे पूछता है, क्या वो सिंगल है? उससे मुझसे मिलवाओगे क्या तुम? तो जुनतांग को शिया वाली बात याद आ जाती है, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वो सोच के वो कहता है, मैं उसका फैमिलियर नहीं हूँ। और वो बंदा उसका गिलास पूरा फुल कर देता है और उसे बोलता है, ये पूरा कप तुम पी लो। तो जुनतांग को समझ आ जाता है कि ये मुझे बियर पिला के सारे इन्फो जानना चाहता है। फिर हम देखते हैं वो पूरा गिलास पी जाता है और वो पूरे नशे में होता है। तभी शिया का कॉल आता है। शिया बोलती है, क्या तुम नशे में हो? जुनतांग बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, और वो बाहर चले जाता है। फिर हमें शिया को दिखाया जाता है जो कि पूछ रही होती है, तुम घर कब आओगे? जुनतांग कहता है, तुम्हारी आवाज अच्छी है। और ये सुन के शिया खुश हो जाती है और पूछती है, क्या ये पार्टी मजेदार है? जुनतांग बोलता है, हाँ, सब लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं। शिया बोलती है, सच्ची में मुझे भी वहाँ होना चाहिए था। जुनतांग बोलता है, फिर तुम अपने स्कूल पार्टी में जाओ। शिया बोलती है, लेकिन मैं तो स्कूल से सस्पेंड हूँ और मैं जाऊंगी तो मेरे वहाँ पे दोस्त भी नहीं होंगे, क्या मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया था? जुनतांग बोलता है, हाँ, मुझे याद आया। तभी वही पीछे से बंदा आता है, वो कहता है, हे गॉर्जियस, सुंदर लड़की हो जो मैंने आज सुबह तुम्हें कहा था। फिर हमें फोन में ऐसी आवाज सुने देती है जैसे कि वो दोनों लड़ रहे हो। ये सब सुन के शिया सीरियस हो जाती है और फोन कट जाता है। फिर हमें वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सीनियर बंदा तो उल्टी कर रहा होता है, ना कि लड़ रहा होता है। जुनतांग बोलता है, तुमने इतने पीने के बाद उल्टी कर दी, ये सही में अनोइंग है। फिर जुनतांग फोन में देख के कहता है, यू क्या कर रही होगी? जुनतांग सामने देखता है तो उसे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है और उसे लगता है कि वो जू है, लेकिन जब वो पूरी अच्छी तरह देखता है तो वो तो शिया होती है जो कि बोतल लेके आई होती है हाथ में, और वो जुनतांग के पास आ जाती है। जुनतांग पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शिया बोलती है, तुम लोग नहीं लड़ रहे थे? जुनतांग बोलता है, तुम इसे क्यों लाई हो? एक सेकंड रुको, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? फिर वो स्टूडेंट जुनतांग को साइड डराता है और बोलता है, हम फिर से इतनी जल्दी मिल गए, मैं बस यही सोच रहा था कि अगर हम दोबारा मिल सके तो कितना अच्छा होगा। शिया सोचती है, इस आदमी की आवाज़ तो वैसी है जैसे कि मैंने फोन पे सुनी थी। वो बंदा कहता है, पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मैं नैनो टेक्नोलॉजी स्कूल से जूनियर हूँ
सिया बोलती है, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों करा रहे हो? वो बोलता है, शायद फ्यूचर में हम कर सकते हैं। किया बोलती है, लाइक डेटिंग? चलो भी, तुम अकेले ही सपने देखो और दूसरों के सामने खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। वो जुनतांग को बोलती है, चलो चलते हैं, और वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। वो बोल रहा होता है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। लेकिन जब वह मेरा हाथ पकड़ती है तो मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? तभी वो बंदा रोक लेता है। सिया कहती है, हमें जाने दो। वो बंदा कहता है, चैट से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता है। सिया बोलती है, ये बहुत एनोइंग है, तुम्हें लगता है कि मैं अपने बारे में वरिड थी? और एक अजीब से हंसी हंसती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए वरिड थी। और वो बोलती है, अब मेरे हाथ में हथियार है, और उसके ऊपर मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि जुनतांग ये सोच रहा था, और वो उस बंदे को कहता है, अपने हाथ दूर रखो। और वो सिया के हाथ से बोतल लेके पीने लगता है और उस बंदे को भी पीने के लिए देता है। तो वो बियर पीने लगता है और जुनतांग उसकी बहुत सारी तारीफें करने लगता है। जब वो पूरी बियर पी लेता है तो वो देखता है वहां पे तो वो दोनों होते ही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों तो काफी तेजी से भाग रहे होते हैं। सिया बोलती है, धीरे चलते हैं। वो दोनों भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं और काफी थक जाते हैं, इसलिए वो एक गली में जाके रुक जाते हैं। जुनतांग सिया को बोलता है, तुम क्या सोच रही थी बियर की बोतल पकड़कर? हमें अभी पुलिस रंगे हाथों पकड़ सकती थी। सिया बोलती है, सच में तुम भी मेरे बारे में यही सोचते हो? जुनतांग बोलता है, क्या? सिया फिर रोने लगती है और बोल रही होती है, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे परेशानी होती है। मैं हमेशा मुसीबत से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उस पार्टनर को तोड़ नहीं पा रही हूँ। जुनतांग सिया को रोते हुए देख के उससे बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें एंग्जायटी डिसऑर्डर है, जिसे घर में रहने वाले को डर लगता है, लेकिन एक्चुअली में तुम वायलेंस करने में कैपेबल हो। सिया बोलती है, ये एक सीक्रेट है। जुनतांग मन में सोच रहा होता है, कोई भी देख सकता है, इस लड़की के साथ एक कॉम्प्लिकेट स्टोरी है। सिया थोड़े आगे जाने के बाद कहती है, मैं अकेली हूँ, मुझे फ्रेंड चाहिए जो मुझे मुश्किल समय में मेरा साथ दे। जुनतांग उसके सामने आके बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे अमीर दोस्त के साथ घूमने में अच्छा लगेगा। ये सुन के सिया खुश हो जाती है और हंसने लगती है और बोलती है, एक्चुअली मैं बियर इसलिए लाई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ पीऊंगी पार्टी के बाद। फिर जुनतांग उससे पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? सिया दूसरी तरफ इशारा करके दिखाती है और वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं पार्टी के। सिया बोलते, तुम्हें नहीं पता क्या, स्टूडेंट हर साल बैक टू स्कूल की पार्टी का पोस्टर यहाँ पे लगाते हैं। फिर वो दोनों वहीं पे घूमने लगते हैं और जुनतांग कॉलेज के पार्टी के अलग अलग बैनर को पढ़ रहा होता है। तभी जुनतांग एक बैनर को देख के भागने लगता है और वो जू के मैसेज के बारे में सोचने लगता है और एक जगह रुक कर कहता है, मेरी टाइमिंग सही है, और सामने में जू को देख के बुलाता है और उसके पास जाने लगता है। जू उसके तरफ हाथ करके अपने दोस्त को दिखाती है। जुनतांग को लगता है कि जू उसको दिखाकर इंट्रोड्यूस करा रही है अपने दोस्तों से, लेकिन जू बोलती है, ये तो ड्रीम्स विश की लीशिया है। और ये सुन के सिया शॉक हो जाती है और उसको वहाँ पे देख के सभी लोग बोलने लगते हैं, लीशिया वही स्वीट कैरामेल की, इसने क्यूट क्यों कर दिया? और मैंने ये भी रूमर सुने हैं कि ये प्रेग्नेंट है। ये सब सुन के जू घबरा जाती है और वो सॉरी मांगती है। सिया गुस्से में पूछती है, ये लड़की कौन है, शॉर्टी हेयर वाली? वो ऐसा जानबूझ के कर रही है ना? ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। जू जुनतांग से पूछती है, मैंने कुछ गलत बोला क्या? और वो तुम्हारे दोस्त है ना? जुनतांग बोलता है, ये ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और खो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों शर्माने लगते हैं और नजरें चुराने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बस स्टैंड में जा रहे होते हैं। बस स्टैंड पे आके जुनतांग टाइम देखते तो सुबह के 2 बज चुके होते हैं और वो जू से कहता है, बस चलना बंद हो गया है। और जू कहती है, मैं बस अपने दोस्त के घर पे रह लूंगी। और एक दोस्त को कॉल लगाने लगती है पर उसका दोस्त कॉल नहीं उठाता। फिर जू कहती है, मैं एक और दोस्त को कॉल लगाती हूँ। फिर वो एक एक करके सभी दोस्तों को कॉल लगाती है लेकिन कोई भी दोस्त कॉल नहीं उठाता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। जुनतांग जू से पूछता है, तुम कहाँ रात गुजारोगी? जू बोलती है, शायद डिपार्टमेंटल ऑफिस में। तुम चिंता मत करो, वहाँ एयर कंडीशनिंग, सोफा और कुछ कंबल भी है। जुनतांग बोलता है, अगर तुम पूरी रात बाहर रहोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स नाराज होंगे तुमसे। जू बोलती है, तुमने सही कहा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जू और जुनतांग आ जाते हैं सिया के पास। सिया पूछते, तुम्हें क्या चाहिए? जुनतांग बोलता है, मुझे बस एक फेवर चाहिए तुमसे। जू बोलती है, मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा कॉन्सर्वेटिव है, अगर उन्हें पता चला कि मैं पूरी रात बाहर रहूंगी तो वो मेरे खाल उतार देंगे। तो क्या तुम प्लीज मेरे दोस्त होने का नाटक करोगी और उन्हें कॉल करोगी? सिया बोलती है, वहाँ पे इतने सारे लोग थे लेकिन उसमें से तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं था। जुनतांग बोलता है, वो लोग नशे में हैं और इसलिए वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, और तुम ही बस एक वो लड़की हो जो मेरी क्लोज फ्रेंड है, प्लीज इसकी मदद कर दो।
और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम गॉडेस हो सिया और तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। तो सिया भी मान जाती है और वो उसके फ्रेंड से बात कर लेती है। जो बोलती है थैंक यू और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने रास्ते। जुनतांग उसे रोकते हुए पूछता है कि तुम सीरियस हो, तुम उस ऑफिस में सोओगी? तुम क्यों ना मेरे बेड पे सो जाओ और मैं इंटरनेट कैफे में अपनी रात गुजार लूंगा। जो बोलती है रहने भी दो, तुम मुझे पे करने जा रहे हो ना। जुनतांग बोलता है मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा, बस तुम यहाँ पे आज रात रुको। सिया बोलती है तुम दोनों अंदर आ जाओ, और अंदर जाके बोलती है मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी है। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग बियर पी लेते हैं और सिया और जू एक दूसरे से माफी मांग रहे होते हैं और गले मिल जाते हैं। जुनतांग इन्हीं दोनों को देख ही जा रहा होता है। फिर जू बोलते हैं यहाँ पे थोड़ी ठंड है, और वो जाके हीटर चला देती है। शिया बोलती है लेकिन अल्कोहल मुझे गर्म महसूस कराती है। जुनतांग फिर उठ के जाने लगता है और बोलते है मैं पानी लेने जा रहा हूँ, और वो शेल्फ में जाके कुछ देखता है और हैरान हो जाता है और बोलता है ये क्या है। शिया फिर अपने जैकेट को उतार के बाहर चली जाती है कहते हुए कि मैं फ्रेश हवा खाने जा रही हूँ। जुनतांग बोल रहा है तुम्हें जैकेट पहन लेना चाहिए, बाहर बहुत ठंड है, और वो ये कहते हुए अपना स्वेटर उतार देता है। और जू उसको देख के ब्लश करने लगती है। जुनतांग बाहर आ जाता है। शिया पूछती है तुम क्यों बाहर आ गई? जुनतांग बोलता है बाहर बहुत ठंड है तो ये तुम पहन लो। शिया बोलती है मुझे जरूरत नहीं। जुनतांग बोलता है तुम नहीं चाहती ना कि तुम हॉस्पिटलाइज हो तो ये लो, और वो उसको लेके पहन लेती है। जुनतांग बोलता है जू एक स्वीट लड़की है तुम्हें नहीं लगता? शिया बोलती तो ये इस बारे में है। जुनतांग कहता है उसका कोई प्लान नहीं था तुम्हें गलत बोलने का, वो खुद को समझने के लिए रुकी रही इसलिए उसकी आखिरी बात छूट गई। और उसका मतलब तुम्हें हार्म पहुंचाने का नहीं था शिया। शिया बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से पहले से जानते हो? जुनतांग बोलता है हाँ हम एक ही क्लास में थे। शिया बोलती है ये सुन के उसके साथ तुम्हारी मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती है लेकिन मेरी फ्रेंडशिप तो लंबे समय तक नहीं चलती है। और वो रोने लगती है और बोलती है एक मिनट हम बेस्टी होते हैं और अगले ही पल हम दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे लेकिन सब ने अपने प्रॉमिस तोड़ दिए। ये सुन के जुनतांग अपने मन में कहता है मैं परवाह ना करने का नाटक करता हूँ लेकिन उसमें कुछ तो है जो मुझे गहराई से छूता है। और इतना ही बोलते हुए वो शिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं सिर्फ दोस्त बनना चाहता था, लाइक हाई और बाई जैसा फ्रेंड, लेकिन अब। और फिर हमें वही दिखाया जाता है जो उसने देखा होता है, वहाँ पे सिगरेट और लाइटर होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है शिया उसके कंधे पे रो रही होती है और जुनतांग सोच रहा होता है मैं उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ। अगली सुबह जुनतांग उल्टी कर रहा होता है क्योंकि कल रात उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। सिया बाहर से बोलती है मैंने तुमसे कहा था ज्यादा मत पियो और तुम्हें स्टोर से ज्यादा बियर नहीं लानी चाहिए थी। जुनतांग मुंह धोते हुए कल के बारे में ही सोच रहा था और मन में कहता है मैंने कल इसलिए ज्यादा पी ली क्योंकि मैं कल के बारे में भूलना चाहता था। फिर जुनतांग बाथरूम से बाहर आके सिया को बोलता है तुम्हारी आँख फूली हुई लग रही है और मैं वो नहीं था जिसने तुम्हें रुलाया। फिर वो लिविंग रूम को देख के बोलता है तू कहाँ गई? सिया कहती है वो पहली बस पकड़ के चली गई। जुनतांग बोलता है उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं इसलिए वो चली गई। फिर सिया बोलती है तुम लोग इतने करीब नहीं हो ना? जुनतांग बोलता है ऐसा नहीं है, और वो अपना प्लान बताने ही वाला होता है तभी रुक जाता है और सोचता है मैं इसे ये क्यों बता रहा हूँ। फिर शिया सेल्फ पे लाइटर ढूंढ रही होती है और जुनतांग को याद आता है और वो जाके उसे लाइटर देता है और सीक्रेट का डब्बा दिखा के पूछता है ये तुम्हारा है क्या? शिया सीक्रेट का डब्बा लेके टॉयलेट में फेंक देती है। उसे देख के जुनतांग कल के बारे में याद करने लगता है मैं कल रात को ये जानने के लिए बेताब था कि वो क्यों रो रही है लेकिन मैं से पूछ नहीं पाया, और वो सीक्रेट का पैकेट किसी और का था, अगर है तो वो पर्सन कौन होगा। फिर वो अपने फोन में सिया के पास्ट के बारे में जानने के लिए सर्च करने लगता है लेकिन तभी वहाँ सिया आ जाती है। उसे देख के जुनतांग हैरान हो जाता है और अपने नजरे चुराने लगता है तो सिया उसे बोलती है हे क्या हुआ इधर देखो। जुनतांग उसे देखता है तो उसे अंदर से थोड़ी उसके लिए फीलिंग आने लगती है इसलिए वो बाहर भागने लगता है और वो बोल रहा होता है मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ। डस्टबिन के पास आके बोलता है मैं उससे दोस्ती इसलिए किया क्योंकि वो एक अमीर लड़की है, और वो चिल्लाने लगता है। तभी पीछे सिया आ जाती है और उसे देख के हंसने लगती है और कहती है जुनतांग मैं आज रात टेक आउट के लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर करने के बारे में सोच रही हूँ क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? जुनतांग बोलता है हाँ जरूर। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक महीना बीत चुका होता है और हमें जुनतांग दिखाया जाता है जो कि कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा होता है। सभी उसे देख के बोल रहे होते हैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज तुमसे मिलने आ रही है? तभी पीछे से साइकिल लेके वही सीनियर बंदा आता है
और बोलता है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? जुनतांग बोलता है, मैंने कहा ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर वहाँ पे सिया और जू आ जाते हैं। जुनतांग जू को देख के हैरान हो जाता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और अपने मन में कहता है, मुझे इस बारे में बुरा क्यों लग रहा है? सिया बोलती है, वो मुझे कंपनी देने आई है। फिर वो तीनों चेरी ब्लॉसम के ट्री को देखते हुए घूम रहे होते हैं। सिया ये सब देख के बहुत खुश होती है और फोटो लेने लगती है। फिर सिया फोन में देखती है और बोलती है, मेरे तो दोस्ती नहीं है। फिर जैसे ही सिया उन दोनों को देखती है, वो दोनों अपने फोन से फोटो लेने लगते हैं इधर उधर की। तभी सिया बोलती है, जुनतांग तुम मेरी फोटो लोगे? जुनतांग फिर उसकी फोटो लेने लगता है और मन में सोचता है कि वो मेरी एज की लड़की नहीं है और उसके बारे में सोचने लगता है। फिर कहता है, वो दूसरी दुनिया की तरह है। झू कहती है, जुनतांग अब जबकि हम इन फूलों के नीचे हैं, मुझे बस एक बात याद आई। जुनतांग बोलता है, वो क्या है? झू बोलती है, मिड टर्म के एग्जाम आ रहे हैं। ये सुन के जुनतांग चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में झू जा रही होती है और कहती है, हमें अब स्टडी मोड में जाने का समय आ गया है और कल से एग्जाम की तैयारी करें। जुनतांग झू से कहता है, हम लाइब्रेरी में एक साथ स्टडी कर सकते थे। झू बोलती है, तुम अपने दोस्तों के साथ रिवाइज करते हो और तुम उनसे मदद भी मांग सकते हो। और इतना कहते वो चले जाती है। फिर जुनतांग भी जाने लगता है और वो थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। फिर सिया उसे देख के झू की फोटो दिखाती है जो कि उसने छुपके से ले ली थी। ये देख के जुनतांग बोलता है, तुमने ये कब ली? क्या तुम इसे ग्रुप चैट में भेज सकती हो? झू से पहले पूछ लो। सिया बोलती है, क्या तुम उससे इतना पसंद करते हो? जुनतांग बोलता है, मैं नहीं करता। और उदास होके बैठ जाता है और बोलता है, क्या ये ऑब्वियस है? सिया कहती है, क्या तुम सच में नहीं जानते उसने लाइब्रेरी में तुम्हारा इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया? जुनतांग बोलता है, मुझे पता है। और उठ के जाने लगता है और कहता है, वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जू जुनतांग को उसका स्कार्फ दे रही होती है। तभी जू की फ्रेंड आ जाती है और बोलती है, ये स्कार्फ तुम्हारे डेस्क पर कई दिनों तक पड़ा है, तो मैंने सोचा था कि ये तुम्हारा है। जू बोलती है, नहीं, मैंने इसे उधार लिया था और मेरे पास इसे वापस करने का समय नहीं था। और इतना कहते ही वो अपने दोस्त को ले जाती है। जुनतांग स्कार्फ को देख के मन में कहता है, मैं उसे बात करने की कहने अपना स्कार्फ इस्तेमाल करना चाहता था और ये ठीक नहीं हुआ। और जब जुनतांग मूवी के लिए पूछता है तो वो बोलती है, मैं हॉरर मूवी को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। ये कह के वो मना कर देती है। और जुनतांग मूवी की टिकट निकाल के कहता है, लेकिन मुझे लगा था कि उसकी पसंदीदा मूवी होगी ये। फिर अगले दिन जब जुनतांग और जू बात कर रहे होते हैं तो एक बंदा के पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जू बोलती है, नहीं, हम दोनों सिर्फ गुड फ्रेंड्स हैं। ये सुन के जुनतांग अपने मन में कहता है, उसने उस पर्सन को ये कहा कि हम सिर्फ गुड फ्रेंड हैं, वो भी बिना हेजिटेट के। फिर सीन प्रेजेंट का आता है और वो ये सब मन में सोच रहा होता है और कहता है, मैं उससे अपने दिल से प्यार करता हूँ और वो मेरा फर्स्ट लव है। फिर हमें जू को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में होती है और सिया उसे कुछ फोटो भेजती है और वो उन फोटो को देख के काफी खुश हो रही होती है और वो अपनी और जुनतांग के साथ में फोटो को सेव कर लेती है। तभी जू के फोन में एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, आखिर तुम हो कहाँ? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जुनतांग और सिया को दिखाया जाता है और जुनतांग उसे सब कुछ बता दिया होता है। फिर वो अचानक से कहता है, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा, जो भी मैंने कहा तुम सब वो भूल जाओ। शिया बोलती है, मुझे ये स्वीट लगा और मैंने पहले ही सारी फोटो सेंड कर दिए हैं। जुनतांग बोलता है, क्या? फिर शिया थोड़ा आगे जाती है और बोलती है, चलो जुनतांग घर चलते हैं। और वो थोड़ा सा शर्मा रहा होता है। फिर उसका जब हाथ पकड़ता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ओवरथिंकिंग करना बंद करो जुनतांग। शिया बोलती है, ये अच्छा लग रहा है ना? और जुनतांग फिर पोल से टकरा जाता है। जुनतांग बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? शिया बोलती है, मेरा मतलब ये हवा वाला मौसम और बसंत का मौसम आ रहा है, और क्या तुम ठीक हो? जुनतांग बोलता है, शायद मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। शिया हंसते हुए कहती है, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, और ना तुम फिर से पोल से टकरा जाओ। सीन शिफ्ट होता है और जुनतांग घर आ जाता है और उसे युनजी मिलता है। युनजी बोलता है, तुम सिंगल हो ना जुनतांग, तो क्या तुम मेरे साथ गेट टुगेदर में आना चाहोगे? मेरे दोस्त ने मुझे एक लड़के को इन्वाइट करने को कहा था, तो अगर तुम आओगे तो सारी सीट पूरी हो जाएगी।
और वहाँ पे तीन लड़के और तीन लड़कियाँ होंगे और वो सभी लड़कियाँ फैशन डिजाइनिंग में पढ़ाई कर रही है। क्या पता तुम्हारी उनमें से एक बन ही जाए सेटिंग। यार ऐसे दोस्त सबको मिले जो कि सेटिंग करा सके सबकी। इतना कहते ही वो जाने लगता है और कहता है तुम तैयार रहना और मैं तुम्हें थोड़ी देर में ही ग्रुप में ज्वाइन भी कर लेता हूँ। जुनतांग उसे रोक रहा होता है लेकिन युनजी रुकता ही नहीं है और वो अंदर चले जाता है। जुनतांग कहता है मैंने अभी तक तो हाँ भी नहीं कहा है। चली जाती है। जुनतांग उसे देख के कहता है वो इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में जुनतांग अपने रूम में होता है तभी वहाँ पे सिया आ जाती है। जुनतांग बोलता है तुम्हें ऐसे ही किसी के रूम में नहीं घुस जाना चाहिए, तुम्हें कम से कम नॉक तो करना चाहिए। सिया बोलती है तुम भी मेरे रूम में बिना नॉक किए आ जाना। ये सुन के जुनतांग कुछ बोलता ही नहीं है। फिर सिया बोलती है तुम आज रात बाहर जाने वाले हो ना, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है। नेक्स्ट सीन में हमें गेट टुगेदर की पार्टी दिखाई जाती है। फिर सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। जुनतांग ड्रिंक करके नीचे देखता है तो उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखती है। वो उसे उठाता है और कहता है ये क्या है। रुवानी कहती है ये मेरा है, असल में वो इयररिंग होता है। और जुनतांग उसे इयररिंग दे देता है। फिर उससे पूछता है तुमने कितने बार अपने कान को छिदवाया है। वो बोलती है 6 बार। जुनतांग बोलता है क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ छिदवाने में। वो बोलती है ये मुझे लगता है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पियर्सिंग के लिए कहाँ जाते हैं, लेकिन दर्द तो होना ही है। जुनतांग बोलता है मैं कहूँगा कि ये हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्या मैंने सही कहा। वो बोलती है तुमने एकदम सही कहा, तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने भी पहले कान छिदवाए हैं क्या। फिर उसके कान को देखने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सिया को दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है अकेला होना बोरिंग है। फिर से वही सीन वापस आ जाता है जहाँ पे युनजी और उसके साथ खड़ी लड़की बोलती है आज की शानदार रात में हम लोग वेडलॉग वाइन गेम शुरू करने वाले हैं। युनजी टेबल पे बोतल रख देता है, फिर इस गेम के रूल और इसे कैसे खेला जाता है वो बताता है। लड़के और लड़कियां एक एक जोड़ी बना के बैठेंगे और बोतल घुमाएंगे, जिसके तरफ बोतल रुकी उन्हें अपने भावों को आपस में जोड़कर पीना होगा। जुनतांग मन में सोचता है बाहों में रख के पीना, ये सोच के जुनतांग और वो लड़की शर्मा जाती है। फिर युनजी बोतल घुमा देता है और एक बंदे पे जाके रुक जाता है और वो पहला अपोज दे के वाइन को पीते हैं। फिर दूसरी बारी में युनजी की बारी आती है, लगा पिएगा। जुनतांग उस लड़की से पूछता है लेवल 4 पर क्या होता है, तो वो लड़की बताती है और ये सुन के वो दोनों शर्माने लगते हैं। लेकिन हमें नहीं बताया गया कि उसने क्या कहा था, वो हमें आगे वाले सीन में दिखाया जाएगा। फिर एक लड़की रुवानी को बोतल घुमाने को देती है और रुवानी काफी ज्यादा तेजी में बोतल को घुमा देती है, लेकिन वो बोतल जुनतांग और रुवानी के सामने रुक जाती है। वो देख के सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं अब तुम्हारी बारी है। एक लड़की बोलती है आपने जुनतांग के साथ लेवल 4 करने के लिए काफी जोर से घुमाया ना। रुवानी बोलती है नहीं मैंने नहीं किया, मैं बस इसे धीरे से करना चाहती थी। वो लड़की बोलती है जब से वो अंदर आया तब से तुम्हारी आंखें उस पर से हटी ही नहीं है। रुवानी कहती है ये सही नहीं है। युनजी रोनी को रोकता है और बोलता है मुझे परवाह नहीं है तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है, पर रूल्स आर रूल। ये सुन के रुवानी भी मान जाती है। जुनतांग बोलता है ये मजाक है ना, मैं समझ सकता हूँ। रुवानी उसे थोड़ा सीरियस वाला लुक देती है। ये देख के जुनतांग बोलता है क्या मैंने कुछ गलत बोला। फिर रुवानी उसको किस करने जा रही होती है। जुनतांग उसका मुंह देख के मन में बोलता है ये तो मेरे से भी ज्यादा शर्मा रही है। तभी युनजी बोलता है ये ड्रिंकिंग का गेम है ना, दूर हो जाते हैं। जुनतांग मन में कहता है मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। फिर रुवानी मुंह में अल्कोहल लेके धीरे धीरे जुनतांग के पास आने लगती है अपने मुंह से अल्कोहल पिलाने के लिए। और यही है जो रुवानी ने जुनतांग को बताया था लेवल 4 के बारे में। जैसे जैसे रुवानी जुनतांग के पास आ रही होती है जुनतांग की हार्ट बीट बढ़ रही होती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सिया को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है जुनतांग तुम अभी क्या कर रहे होगे। फिर वापस से सीन वही पे आता है जहाँ पे रुवानी जुनतांग को अपने मुँह से बियर पिलाने जा ही रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है मेरा नाम है कोई रुवानी, मैं 21 साल की हूँ, मेरा 1 महीने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तो अब मुझे लगता है कि मेरा प्यार से विश्वास ही उठ गया है और आज मैं गेट टुगेदर में इसलिए आई हूँ कि मैंने सोचा अगर मैं यहाँ किसी क्यूट लड़के से मिलूँ तो शायद मैं अपने ब्रेकअप से उभरने के लिए उसे डेट कर सकूँ। और जुनतांग भी अपने मन में कह रहा होता है मैं इसे जल्दी से करूँगा और उसका मुंह देख के कहता है ये सच में बहुत नर्वस है। तभी रुवानी इतना नर्वस होती है कि वो बियर को पी ही लेती है और ये देख के सभी लोग का मूड खराब हो जाता है। युनजी कहता है रिलैक्स रुवानी, अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो हम तुमसे ये नहीं करवाएंगे। और ये सुन के वो जोश में आ जाती है और मुंह में बियर लेके पास आ जाती है। जैसे ही वो किस करने वाली ही होती है
जुनतांग रोनी को रोक देता है और कहता है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। सभी लोग कहते हैं, क्यों? जुनतांग बोलता है, मैंने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया। अगर मैंने इसे किस किया और लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने अपना पहला किस कब किया था, तो मुझे कहना होगा कि ये मेरे फर्स्ट ईयर में था, एक गेट टुगेदर में। और अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि किसके साथ, तो मुझे कहना होगा कि वो एक सीनियर लड़की थी जिससे मैं अभी मिला था। ये सुन के रोनी अपने मुंह से बियर जुनतांग के ऊपर थूक देती है। ये देख के सभी लोग हंसने लगते हैं। यार यहाँ पे जुनतांग को अपनी फर्स्ट किस बर्बाद ही नहीं करनी है, उसे करनी है तो जो के साथ ही किस करनी है, इतना मुझे लगता है। बाकी आप लोग बताना कि जुनतांग किसके साथ किस करना चाहता है। फिर युनजी कहता है, पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें तुरंत या देर चुनना होगा। तो जुनतांग देर चुनता है और उसे अगले रूम में जाके गाना गाना होगा और वो चला जाता है। अंदर में लड़कियां बोल रही होती है, काश वो दोनों ने किस किया होता। और हमें रुआनी को दिखाया जाता है जो कि काफी रिलीफ फील कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग घर जाने लगते हैं। वही रुआनी बोलती है, आज मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया। जुनतांग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ड्रोम तक चलूं क्या? इसके लिए रुआनी भी मान जाती है। फिर वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। फिर रास्ते में रुआनी पूछती है, तुमने पहले कभी किसी लड़की को किस नहीं किया है ना? और मुझे लगता है कि तुमने कभी किसी को डेट भी नहीं किया। जुनतांग बोलता है, जूनियर हाई में मेरी एक क्रश थी, लेकिन मैंने उसे कभी भी कन्फेस्ट नहीं किया और मैंने उसे ग्रेजुएट होने के बाद उसे नहीं देखा है। तो गाइस, आपने जब पिछला एपिसोड देखा है तो आपको पता ही होगा इसकी क्रश जू थी, जो कि ग्रेजुएट होने के बाद कहीं चले गई थी और वो हाई स्कूल में वापस आ गई थी। फिर रुआनी बोलती है, तो हाई स्कूल में क्या? जुनतांग बोलता है, मैं लंबे समय से एक तरफा ही प्यार कर रहा था और एक तरफा प्यार रंग नहीं लाता है ना। ये सुन के रुआनी रुक जाती है और उदास हो जाती है। जुनतांग उससे पूछता है, तुम्हारे बारे में क्या? रुआनी बोलती है, मेरे बारे में, मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। जब वो तीसरी बार हाई स्कूल के सीनियर ईयर को दोबारा कर रहा था, तभी उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। और वो रोने ही वाली होती है, तभी जुनतांग उसके बाल ऊपर करके उससे पूछता है, क्या तुम रो रही हो रुआनी? रुआनी स्माइल करके बोलती है, नहीं तो मैं नहीं रो रही हूँ। जुनतांग बोलता है, मुझे लगा कि तुम रो रही हो। फिर वो रुआनी के बालों की तारीफ करता है और वो दोनों ऐसे ही बात करते करते जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रुआनी अपने डॉर्म में पहुंच जाती है और वो जुनतांग को गुड नाइट कह के अंदर चली जाती है। फिर जुनतांग भी अपने घर जाने लगता है और वो फोन में सिया का मैसेज देखता है, तो वो भी सिया को मैसेज करने ही वाला होता है। तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर वो आसमान को देख के बोलता है, शायद वो सो रही होगी। और जो भी उसने आज रात किया वो सभी याद करने लगता है और कहता है, मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। और ये यहाँ पे रोनी के बारे में बोल रहा होता है। तभी उसे सिया की बात याद आती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। और वो इतना सोचते ही भागने लगता है। फिर वो घर पहुंच जाता है तो सामने में सिया को बैठा हुआ देखता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बोलती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी जुनतांग, तुमने आज रात बहुत मजे किए होंगे ना? जुनतांग बोलता है, मैंने आज बहुत पी ली, लेकिन अभी भी मैं ठीक हूँ। और उसे सीधा चल के दिखाने लगता है और कहता है, देखो मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ। तो सिया उसकी तारीफ करती है। फिर जुनतांग उसके पास बैठ जाता है और उससे पूछता है, तुमने सारी रात क्या किया? वो बोलती है, कुछ खास नहीं। तभी वो जुनतांग के होठों पे लिपस्टिक लगी हुई नोटिस कर लेती है, तो जुनतांग उसे फिर साफ कर लेता है। सिया पूछती है, तुम लोगों ने कौन सा गेम खेला जिस वजह से तुम्हारे होठों पे लिपस्टिक लगी है? जुनतांग बोलता है, जैसा तुम सोच रही हो ये वो नहीं है, वो तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे लिपस्टिक लगा दी। और बताने लगता है क्या क्या उसने किया। वो बोलता है, हमने बहुत मजा किया और वेडलोंग वाइन गेम भी खेला। सिया बोलती है, क्या तुमने भी वो खेल खेला? और जुनतांग वही सीन को याद करने लगता है। फिर कहता है, ये सीक्रेट है। वो बोलती है, क्यों? जुनतांग बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं मिस्टीरियस मैन बन के कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये सुन के सिया अपने बात को याद करने लगती है, जब जुनतांग ने उसके वजह पूछी थी उसने भी यही कहा था, ये एक सीक्रेट है। और वो ये याद करके कहती है, ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही मजा किया, तो क्या तुम खुश थे? जुनतांग बोलता है, खुश तो नहीं कहूंगा मैं, बस मैं उसके साथ जा रहा था। और ये फिर से रुआनी की बात कर रहा है जब वो उसको डोम में छोड़ने जा रहा था। सिया बोलती है, तुम मानते हो तुमने एंजॉय किया, बहाना मत मारो कि तुमने नहीं किया।
जुनतांग अपने मन में कहता है, मैं कह सकता हूँ कि हम एक ही चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और अच्छा रहेगा कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। अगर मैंने ज्यादा बोला तो मैं गलतियां ही करूंगा, लेकिन मैं चुप रहा तो हाँ कहने जैसा ही होगा। फिर सिया बोलती है, तुम ऐसे पर्सन हो जो हर बार से एग्री करता है, भले ही तुम उसे नहीं करना चाहते हो। ये देख के ही मुझे तुम्हारे साथ कुछ नॉटी करने का मन करता है। और वो आगे बढ़ने लगती है और उसे किस कर लेती है। और इस किस के साथ हम लोग इस एनिमे के फर्स्ट पार्ट को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने इस पार्ट पे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। तो फटाफट से एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और एनिमे में, तब तक नारा और बाय।